औरंगाबाद के तारीखी मैदान आमखास ग्राउंड पर पिछले साल की तरह इस साल भी एक अजीम शान एजुकेशन एक्सपो मुनक़द किया जा रहा है और इस बार का एजुकेशन एक्सपो अपने रकबे के एतबार से, अपने अट्रैक्शन के एतबार से, अपनी एक्टिविटीज़ के एतबार से बहुत बड़ा और बेहतर होगा। यहाँ पर इस बार के एजुकेशन एक्सपो का जो सेटअप होगा वो पिछले साल के मुताबिक और भी बेहतर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ बड़े दो डोम लगाए जा रहे हैं जो कि वाटरप्रूफ होंगे और इस साल के एजुकेशन एक्सपो में अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी। इस साल के एजुकेशन एक्सपो में मुख्तलिस किस्म के कॉम्पिटिशन्स मुनक़द किए जाएंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल्स को इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। इस बार के एजुकेशन एक्सपो में और भी ज़्यादा स्टॉल्स होंगे, ज़्यादा किताबों के यहाँ पर शॉप्स होंगी, ज़्यादा बुक पब्लिशर्स इस बार एजुकेशन एक्सपो में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस साल का एजुकेशन एक्सपो 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के दरमियान होगा। पिछले साल की तरह ही इस बार भी IRC की जानिब से एक म्यूज़ियम कम एग्जीबिशन का इनेकाद होगा। यहाँ पर पिछले साल की तरह एक इंडोर ऑडिटोरियम और एक आउटडोर ऑडिटोरियम भी यहाँ पर बनाया जाएगा जिसमें दिन भर मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स मुनक़द किए जाएंगे और ये एजुकेशन एक्सपो अपने पिछले साल के एक्सपो के एतबार से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ मुनक़द किया जाएगा और इसमें बहुत सारे दीगर जो स्कॉलर्स हैं मुल्क भर से, मुख्तलिफ स्कॉलर्स और जो तालीम के माहिरीन हैं वो इसमें शिरकत करेंगे और स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स को रहनुमाई करेंगे। तो इस बार का एजुकेशन एक्सपो पिछले साल के मुकाबले और बेहतर और बड़े पैमाने पर मुनक़द किया जा रहा है आमखास ग्राउंड पर 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के दरमियान।